ओके मैडम, क्या बताएंगे आप, औरंगाबाद जिले के हो या कन्नड़ तहसील के, पॉलिटिक्स में आप सक्रिय हो चुके हैं, आज एक आंदोलन में भी आपने अपनी उपस्थिति लगाई है, क्या भूमिका है आपकी, कैसा लग रहा है आपको इस पॉलिटिक्स से? मैं समाज विकास में विश्वास रखती हूँ कि समाज में समस्याएं बहुत हैं, बहुत ही हर दिशा में कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई तकलीफ है लोगों को, तो हमें सिर्फ समाज के विकास के लिए काम करना है। मुझे पॉलिटिक्स समझता नहीं है ज़्यादा, बिकॉज मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन हाँ समाज कार्य के लिए, समाज विकास के लिए मैंने भी काम किया है और उसके लिए ही मैं आगे काम करना चाहती हूँ और यही मेरा उद्देश्य रहेगा यहाँ पर। आज अपने जो हर्षवर्धन यादव जी के साथ बैलगाड़ी में बैठकर, शायद आपने बैलगाड़ी में पहली बार बैठा जी? नहीं जी नहीं, मैं एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ, मेरा भी गांव है, मैंने भी गांव की समस्याएं देखी हैं कि ग्रामीण विभाग में क्या समस्याएं होती हैं, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, उनके दिन में हर तरह की समस्याएं जो रहती हैं, तो मैंने भी ये सब फेस किया हुआ है। तो आज मैं पहली बार बैलगाड़ी में नहीं बैठी हूँ, मैं बहुत बार बैलगाड़ी में बैठ चुकी हूँ। अच्छा, आज जो आपने निवेदन दिए हैं और कुछ आपके विभागीय आयुक्त जी से बात भी हो गई होगी, तो क्या हुआ चर्चा में और कौन सी तरीके की आपने कंप्लेंट्स दी है? बहुत अच्छी चर्चा हुई हमारी, कि वो जो आयुक्त जी ने, उन्होंने कहा है कि इसमें हमारी हमारा सहयोग करेंगे और मुझे बहुत खुशी है कि हम उससे मिलकर एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई। आपने जो कन्नड़ में भाषण किया था उसकी काफ़ी चर्चा रही है सोशल मीडिया पे और समाज में भी, वो भाषण की तैयारी आपने कैसे की थी या स्पॉन्टेनियस था, उसके बारे में क्या बताएं? देखिए, जब कोई चीज़ मन से आती है तो आपको तैयारी नहीं करनी पड़ती, तो वो मेरे मन से निकली हुई बात थी और शायद इसलिए लोगों तक वो उनके मन तक पहुँच चुकी, बस नहीं। आने वाले कार्यकाल में आपकी पॉलिटिक्स में क्या भूमिका रही है? मैं आपको ऑलरेडी कह चुकी हूँ, पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं सिर्फ समाज विकास में विश्वास रखती हूँ कि हमारे समाज का विकास कैसा हो, हमारे जो बच्चे हैं उनका भाग्य कैसे अच्छा रहे, उनका भविष्य कैसे अच्छा बने, बस मैं इसी में लक्ष्य देना चाहती हूँ। अभी 2024 में शायद विधानसभा इलेक्शन लगेंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो चुनाव जो है हर्षवर्धन यादव जीत सकते हैं, वो जीतने के लिए आपका सहयोग उनको रहेगा? आपको इसमें कोई दो राय नज़र आती है? नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं। मुझे तो इसमें कोई दो राय नहीं दिखता, क्योंकि जनता के लिए खड़ा रहना, लोगों के लिए काम करना निस्वार्थ भाव से, वो हम बहुत कम नेताओं में देख पाते हैं और मुझे बहुत गर्व है कि मुझे हर्षवर्धन यादव जी के साथ काम करने का मौका मिला है, क्योंकि मैं उनमें ये सारी क्वालिटीज़ देखती हूँ, ये सारे गुण मैं उनमें देखती हूँ कि वो निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए खड़े रहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि समस्याएं बहुत हैं, तो हमें कोई ऐसा नेता चाहिए जो हमारी समस्याओं के लिए हमारे साथ खड़ा हो, ताकि वो उस समस्या से खुली भाव से। ओके सर, आप आज नेगेटिव आए हैं, आपने एंटीजन टेस्ट कराया, कुछ दिन पहले औरंगाबाद के खासदार जो है पॉजिटिव आए थे, तो वो भी अभी उनको राहत मिली है, वो अस्पताल से घर पहुंचे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं उनको बहुत अच्छा, उनकी हेल्थ अच्छी हो और वो जल्दी रिकवर हो जाएं और जल्दी से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उनको अवसर मिला है काम करने का, उसके हिसाब से जितना काम कर सकते हैं लोगों के लिए उतना काम वो करें, मेरी शुभकामनाएं। हर्षवर्धन ज़माने से हम देख रहे हैं, ये तो आपको ही पता है, अब मैं चर्चा आप लोग करते हैं मेरे बारे में, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, सही। और मैं लोगों का काम करता हूँ और ये हो सकता है कि बाकी लोग नहीं करते हों, तो शायद लोगों में ज़्यादा अपील होता है कि यार ये तो हमारी भाषा बोल रहा है, हमारे लिए कुछ कर रहा है, तो शायद वो चर्चा होती होगी। आज मौका देख कर काम करते हैं आप? नहीं, मौका देखने की क्या बात है, जब भी सिचुएशन आती है मैं खड़ा रह जाता हूँ। आज बैलगाड़ी में आए, अगली मरतबा काय में आ सकते हैं आप जनता की सेवा? अगली बार हम आएंगे पैदल, और अगली बार का हमारा इशू रहेगा कि हमारे नौजवान जो भाई हैं जो बेरोज़गार हैं उनको मुद्रा लोन कैसा दिया जाए, वो मामला लेके हम जल्द ही आएंगे और हर इंसान को, हर नौजवान को जो गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से, देखिए मैं कभी भी विदाउट गवर्नमेंट गाइडलाइन बात नहीं करता, हर चीज़ मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट में रहती है, तभी जा करके मैं बात करता हूँ। अभी मुद्रा लोन के बारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन आया हुआ है हर बैंक को कि भाई आपको इतना तो कम से कम मुद्रा लोन बांटना है, तो आपने बांटा है क्या, इस तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर आया हुआ है, वो हिसाब से मैं आगे इन नौजवानों के लिए बैंक्स में जा करके या उनके नोडल ऑफिसर से बात करके कि भाई इस GR का जो है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक आया है, और अगर नहीं आया है तो आप इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? सर आखिरी सवाल, सर पेट्रोल जो है 100 रुपये हो चुका है
और डीजल 90 रुपये हो चुका है, गैस 800 से ऊपर चल रहा है, तो इस पर क्या भूमिका है आपकी? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत शर्मनाक है कि एक तरफ आप बोलते हो कि अच्छे दिन आएंगे और दूसरी तरफ आपके तो बुरे दिन चालू हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ने भी, जो इनके सेस जो लगाए हुए हैं इसके ऊपर, उसके सेस के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। एक बात ये है कि आज जो मुद्दे से हमने हटकर अभी तक बात की, आप आज किसानों के लिए आए थे, क्या आपको ये लगता है कि किसानों का मसला हल हो जाएगा आज की बातचीत से डिविजनल कमिश्नर? बिल्कुल बिल्कुल हल होगा, क्योंकि पॉजिटिव बात हुई हमारी और हमने ये बात किसी भी गर्मजोशी से न कहते हुए, हमने बाकायदा जो GRs हैं, जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस हैं, उनके हिसाब से हमने बात की है और जो कि हमने उस हिसाब से बात की है, आयुक्त साहब ने इस बात को माना है कि जो भी नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए वो मिलनी ही चाहिए। और MSEB का खास तौर पे जो किसानों की तरफ रवैया है कि 15-15 दिन, एक एक महीना ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है, फ्यूज जाता है तो 2-2 दिन फ्यूज में बैठता है, इस सिलसिले के अंदर जो भी किसानों का नुकसान होता है वो नुकसान भरपाई भी मिलनी चाहिए, उसके हिसाब से भी MSEB को विभागीय आयुक्त साहब ने इत्तला किया। वो आखिरी सवाल है, सफ़र कैसा रहा? बैलगाड़ी का सफ़र ये एक 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 रिजेम्बलेंस था, एक एक पुकार थी सरकार के लिए कि भाई हमारे किसान परेशान हैं और इस परेशानी में जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट के GRs हैं, उनकी अमल बजावनी होनी चाहिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और इस चीज़ के लिए सरकार का ध्यान हमारी तरफ आए, इसका यही एक उद्देश्य था। आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि हर्षवर्धन जाधव देर से जागे, बल्कि हम कहेंगे कि हम अकेले ही जागे हैं, बाकी तो आप सभी सब सो ही रहे हैं, क्योंकि अभी का जो पोजीशन है वो पोजीशन में मुझे लगता है कि एक भी निवेदन विभागीय आयुक्त जी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी MP ने, किसी भी MLA ने, किसी भी ex-MLA ने, ex-MP ने, किसी भी सोशल वर्कर ने दिया नहीं है कि भाई इस ज़िले के किसान परेशान हैं और ऐसी सिचुएशन में इस ज़िले के किसानों को इस तरह से गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के मुताबिक मदद मिलनी चाहिए, ये बात अभी तक किसी ने कही नहीं है। हर्षवर्धन जाधव पहला आदमी है जो ये कह रहा है।